हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज के इस सेशन में हम समझेंगे व्हाट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या चीज है? इट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई एक ऑब्जेक्ट है या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उस पर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है और किस मैग्नीट्यूड की फोर्सेज लग रही है, वो हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। और हाँ, जो फोर्सेज हैं उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, और जो टिप है वो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से बनाया जाए। पहला एग्जाम्पल है, बॉक्स इज एट रेस्ट ऑन द टेबल। एक बॉक्स है जो कि टेबल पर रखा हुआ है और वो रेस्ट पोजीशन पे है। अब हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं। हमने क्या किया, बॉक्स को टेबल पे रख दिया। अब बॉक्स का जो वेट है वो नीचे बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि धरती बॉक्स को अपनी तरफ खींच रही है। और ये मैंने सेंटर से बनाया है क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि पूरी जो बॉडी है, जो पूरा ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है सेंटर पे लोकेटेड है। सेंटर ऑफ मास उसको बोलते हैं। तो इसलिए मैंने मान लिया कि पूरे का पूरा जो मास है वो सेंटर पे लोकेटेड है, इसलिए मैंने सेंटर से एरो खींचा बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि धरती इसको अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन एक चीज ये समझने वाली है, अगर धरती इसको अपनी तरफ खींच रही है, कोई दूसरी फोर्स है जो उसको बैलेंस कर रही है। अगर दूसरी फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर रही होती तो ये टेबल को तोड़ के नीचे गिर जाता। और जो फोर्स इसको बिल्कुल उतनी ही मैग्नीट्यूड से बैलेंस कर रही है, उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं या उसको रिएक्शन बोलते हैं। वो नॉर्मल फोर्स क्या होती है, जितना वेट उस ऑब्जेक्ट का है, टेबल उसको उतनी ही ताकत से ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं या रिएक्शन बोलते हैं। अगर टेबल उसको उतनी ताकत से धक्का नहीं देता तो ये बॉक्स टेबल को तोड़ के नीचे गिर जाता। अभी देखिए, दोनों के जो एरो हैं, हालांकि इनकी टिप ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इनकी लेंथ सेम है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जो वेट है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर है। ये हमने लिख दिया नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो ये एक बैलेंस फोर्स हो गई। ऑब्जेक्ट रेस्ट में तभी होगा जब नेट फोर्स जो है उस पर एक्ट कर रही होगी वो जीरो होगी। तो ये रेस्ट पे, रेस्ट कंडीशन का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, यानी कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं वो नेट फोर्स क्या है, जीरो है, बैलेंस्ड है। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। फोर्स इज अप्लाइड इन द राइटवर्ड डायरेक्शन एंड द बॉक्स स्टार्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। बॉक्स पर फोर्स लगाई जाती है राइटवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम अप्लाइड फोर्स बोलते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि बॉक्स राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स है राइटवर्ड डायरेक्शन में, तभी वो मूव कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब नेट फोर्स उस डायरेक्शन में जरूर लग रही होगी। चलिए अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये बोला गया है कि राइटवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं। इसका मतलब ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस वो बैलेंस्ड आउट है। सबसे पहले उसको बनाते हैं, वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग गया और उतनी ही ताकत से टेबल ने इसको ऊपर की तरफ धक्का दे दिया, जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स है और वेट आपस में बराबर हो गए, वर्टिकल फोर्सेज बैलेंस्ड हो गई। अब अप्लाइड फोर्स लगाई गई राइटवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से बॉक्स आगे की तरफ राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन। लेकिन इसको अपोज करने वाली कोई फोर्स है जो उसको अपोज कर रही है, वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि बॉक्स और टेबल के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया है, उस कॉन्टैक्ट एरिया की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ये आप देखिए, अप्लाइड फोर्स ये रही, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स में इतनी इतनी ताकत नहीं कि इसको रोक पाए, जिसकी वजह से बॉक्स राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये देखिए, अप्लाइड फोर्स का एरो बड़ा है और फ्रिक्शनल फोर्स का जो एरो है उसकी लेंथ छोटी है, यानी कि अप्लाइड फोर्स बड़ी है फ्रिक्शनल फोर्स से। हाँ, इनकी टिप ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अप्लाइड फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहे हैं और फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। तो इसकी लेंथ से हमने पता लगा लिया कि अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नेट मूवमेंट ऑफ द बॉक्स इज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, दैट टू विद एक्सेलरेशन, यानी कि नेट फोर्स जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस पूरे जो हमने, हमारे पास स्टेटमेंट है, उसका हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से बना लिया। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। फोर्स इज अप्लाइड इन द राइटवर्ड डायरेक्शन एंड द बॉक्स स्टार्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे ध्यान दीजिए। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जो राइटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है दैट इज जीरो, नेट फोर्स जीरो होगी। और ये ऊपर और नीचे भी नहीं मूव कर रहा, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेज बैलेंस्ड आउट होंगी, नेट फोर्स जीरो होगी।
चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया और टेबल ने उतनी ही ताकत से इसको ऊपर की तरफ धक्का दिया, यानी कि वेट और नॉर्मल फोर्स आपस में बराबर हो गए, वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड आउट। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, अप्लाइड फोर्स लगाई गई जिसकी वजह से क्या नतीजा हुआ कि बॉक्स मूव करने लगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यह हुआ कि एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि अप्लाइड फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपस में बैलेंस्ड आउट हो गई। और आप देखिए अप्लाइड फोर्स का जो एरो है और फ्रिक्शनल फोर्स का जो एरो की जो लेंथ है दोनों की बराबर है, हालांकि इनकी जो टिप है डायरेक्शन है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये एक तरह से पूरा बैलेंस्ड सिस्टम हो गया जिसमें वर्टिकल फोर्सेज भी बैलेंस आउट हो गई और हॉरिजॉन्टल फोर्सेज भी बैलेंस्ड आउट हो गई। तो हमने क्या लिखा, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट एंड अप्लाइड फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स एंड बॉक्स इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम इस तरीके से बनाएंगे। चलिए एक चीज और समझते हैं। अब बॉक्स इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद एन एक्सेलरेशन। एक बॉक्स है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो ट्राइंगुलर शेप का है, उस पे बॉक्स हमने रखा जो कि स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ और एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है जो इस बॉक्स को नीचे ले जा रही है एक्सेलरेशन से। अब इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, यानी कि एरो से रिप्रेजेंट करना है कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और किस डायरेक्शन में लग रही हैं। सबसे पहले कुछ समझना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेंटर से लाइन खींचेंगे डाउनवर्ड्स, जो कि वेट होगा, धरती उसको अपनी तरफ खींच रही है। अब देखिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक एरो हमने ये बना दिया, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में बना दी। अब एक चीज समझने वाली है, क्या ये ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी कि इसमें इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड आउट हो गई हैं। अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इस बॉक्स को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, बट वो कौन सी फोर्स है जो उसको बैलेंस कर रही है, वो वेट का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इसको बैलेंस आउट कर रहा है। जो वेट का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, यानी कि जितना इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है उतना ही ये एंगल है, इसको हम बोलेंगे एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा नॉर्मल फोर्स से बैलेंस आउट हो रहा है, तभी इस डायरेक्शन में बॉक्स की मूवमेंट नहीं हो रही। एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, एम जी कॉस थीटा वेट का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट बोला जाता है एम जी कॉस थीटा। अब बात करते हैं इस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इंक्लाइंड है, इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही हैं उसको कैसे बैलेंस आउट किया जाए। बैलेंस नहीं होंगी, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब ये वाला कंपोनेंट कौन सा, ये वेट का वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं एम जी साइन थीटा। ये बड़ा है फ्रिक्शनल फोर्स से, एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि इस बॉक्स को नीचे की तरफ स्लाइड करने में मजबूर कर रहा है, ये नीचे जा रहा है बॉक्स, एंड दैट टू विद एक्सेलरेशन। तो हमने क्या किया, इसका एरो बड़ा शो किया, फ्रिक्शनल फोर्स का एरो छोटा शो किया, और इस तरीके से इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना दिया। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, बॉक्स इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद एन एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इसमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, बॉल है, बॉल को समझ लेते हैं जो कि फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट धरती के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरती है तो वो एक्सेलेटेड मोशन होता है, यानी कि जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और वो नेट फोर्स क्या कहलाती है, ऑब्वियसली वो उसका वेट होगा। तो इसमें क्या हो गया, नेट फोर्स क्या है, वेट इज इक्वल टू एम जी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यही बनेगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड दैट इज एन एक्सेलेटेड मोशन। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, हमने फटाफट इसको बना लिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बॉल इज फ्रीली फॉलिंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। समझिए पहला केस था, बॉल इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो एक्सेलेरेटेड मोशन था, लेकिन अब क्या, बॉल इज फ्रीली फॉलिंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में कब होगा, यानी कि कोई फोर्स है जो कि जो नीचे धरती खींच रही है उसको बैलेंस आउट कर रही है, और वो कौन सी फोर्स होगी, एयर रेजिस्टेंस होगी। देखिए होता क्या है, आपने पानी की बूंद देखी होगी, नोटिस की होगी, वो ऊपर से नीचे गिर रही होती है, उसमें क्या होता है, एक्सेलेरेटेड मोशन होता है, वो नीचे आती रहती है, जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि एयर रेजिस्टेंस जो ड्रॉप है या कोई बॉल है उसको बैलेंस कर देता है, उसके वेट को जस्ट बैलेंस आउट कर देता है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वेट के बराबर हो जाता है, और उस पॉइंट पे क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो ये वही स्टेज शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रही थी लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, इस केस में क्या होगा, जो उसका वेट होगा बैलेंस्ड आउट हो जाएगा एयर रेजिस्टेंस से, जो एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है और वेट नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसमें केस में बैलेंस फोर्सेस क्या हो गई, एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए टिप इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में शो कर रही है लेकिन इनकी लेंथ दोनों की बराबर है,
तो ये बैलेंस फोर्सेस हो गई, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रही है फ्रीली विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। चलिए समरी और टिप्स समझ लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट पे जो जो फोर्सेज लग रही है उसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाए उसी को फ्री बॉडी डायग्राम बोला जाता है। जो फोर्सेज है उसको एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो लेंथ होती है एरो की वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है फोर्स का, और जो टिप होती है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी अप्लाइड फोर्स के, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ? जब भी दो सर्फेस के बीच में कॉन्टैक्ट होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हमेशा होगी। टू एरोज विद सेम लेंथ एंड ऑपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट बैलेंस फोर्सेज, दैट इज द नेट फोर्स इज जीरो। यानी कि अगर दो एरोज हैं जिसकी लेंथ सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट, टिप ऑपोजिट है, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बैलेंस फोर्सेज हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि नेट फोर्स इज जीरो। एंड व्हेन नेट फोर्स इज जीरो देन ईदर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब ये है कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या वो मूव कर रहा है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। I hope I made my point clear. Thank you for watching the video. Have a nice day.